देश में इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है और अदला बदली का भी पूरा देश भर में चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयानबाजी भी आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने खेमे में शामिल कर रही है। ये मामला देहरादून से है। देहरादून से काफी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और मेरे साथ इस समय देहरादून से अंकिता पाल, जो कांग्रेस की पूर्व में NSOI की अध्यक्ष भी रह चुकी है उत्तराखंड में, मेरे साथ देहरादून से जुड़ चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। स्वयं महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने उनको सदस्यता ग्रहण करवाई। बहुत बहुत स्वागत अंकिता K24 न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल अंकिता, ये सबसे मैं आपको बधाई भी दूंगा क्योंकि आप प्रदेश की एकमात्र ऐसी लड़की हैं हमारे उत्तराखंड की जो सशक्त रही हैं और लगातार बेबाकी से आप सवाल भी उठाती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल उठाए लेकिन आज आप खुद ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और आपको सदस्यता दिलवाई प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सौरभ बहुगुणा जो कैबिनेट मंत्री हैं, ये आपको सौभाग्य मिला। कैसा महसूस कर रही हैं और क्यों आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना पड़ा? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद कहना चाहती हूँ और इसी के माध्यम से मैं समस्त भाजपा के सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशनसीबी रही और ये प्रदेश अध्यक्ष जी का बड़प्पन रहा कि मुझ जैसी एक आम कार्यकर्ता को, जो पिथौरागढ़ जिले के छोटे से गाँव से अस्कोट से आती है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में बड़े ही सम्मान के साथ मेरा माल्यार्पण किया। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। जी, सौरभ बहुगुणा भी आपको धन्यवाद दे रहे थे। वो भी कह रहे थे कि हमारी बहन अंकिता जो है भारतीय जनता पार्टी में परिवार में उनका स्वागत कर रहे थे। तो आपकी भूमिका क्या रहेगी और कांग्रेस छोड़ने की वजह क्या रही अंकिता? जी, सौरभ भाई का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। देखिए, आपको पता है कि इस समय पूरे विश्व में मोदी की लहर चली हुई है और सभी जी कहीं ना कहीं भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आप देखेंगे कि जी इस समय उत्तराखंड में कांग्रेस तो कहीं पर विपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं पा रहा है। वो आपस में इतना लड़ रहे जी हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या ही विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो हम युवा हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी समझती है, हमारी भावनाओं का सम्मान करती है, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें और उनके साथ जी जुड़कर कार्य करें। लड़की और हूं लड़ जैसे सकती हूं कि नारा दिया था। जी, कांग्रेस ने दिया था और नारा जैसे लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन आप नारी सशक्त बंधन की तरफ आप बढ़ चुकी हैं और जैसे कि प्रदेश में महिलाओं को सम्मान देने की बात पुष्कर सिंह धामी भी करते आ रहे हैं लगातार, और आपने जी देखा होगा काफी बिल्कुल कार्यक्रम बिल्कुल उनके चलते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देखेंगे कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा सिर्फ नारा तक ही सीमित रह गया है और वास्तव में जी जमीनी हकीकत इसके उलट फेरी होती है। और मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय जनता पार्टी से सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा मेरे लिए जुड़ने का विषय जो रहा, वो ये भी रहा कि स्टार्टिंग में जब मेरी शुरुआत हुई थी कॉलेज में छात्र जीवन में, तो जी कहीं ना कहीं छात्र राजनीति में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही जुड़ी। जी और आप देखेंगे कि इस समय जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो युवा मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत ही अपनी अच्छी सोच और बोझ के साथ पूरे उत्तराखंड का नेतृत्व जी कर रहे हैं और वो भली भांति मतलब बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, तो मैं उनसे भी प्रभावित हूँ। अगर आप देखेंगे कि उत्तराखंड में उन्होंने बहुत अच्छे, जो अभी वो उन्होंने सख्त नकल विरोधी कानून बना रखा है, ये जी समस्त जगह चर्चा चल रही है, बहुत अच्छा काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस समय कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अंकिता ने घर वापसी की है, मतलब ज्वाइनिंग नहीं है, हम घर वापसी कह सकते हैं। बिल्कुल, आप ये समझ सकते हैं कि मेरी घर वापसी हुई है। शाम को, अच्छा, आप सुबह का भोला अगर शाम को जी घर आए तो उसे भोला नहीं कहेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी स्वागत भी कर रही है आपका। आप सीमांत जी क्षेत्र से आती हैं, आपका जो अस्कोट है जहां से आप बिलोंग करती है, किसी जमाने में राजाओं का गढ़ रहा करता था, 80 कोट कहा जाता है अस्कोट को। वहां की बिल्कुल रियासत की आप वारिस हैं, अस्कोट की रियासत के पालों की वारिस हैं, आप वंशज हैं उनकी। तो क्या लगता है आपको सीमांत की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो यूथ है, उनके लिए क्या चुनौती है जिसको आप भारतीय जनता पार्टी में आई हैं, तो उनके लिए क्या बेहतर आप आगे काम कर सकते हैं?
देखिए, अगर जीवन है तो चुनौतियां तो स्वाभाविक ही हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो या फिर पुरुषों के लिए हो। मेरी कोशिश ये रहेगी, देखिए मेरे पिताजी आर्मी से थे, उन्होंने देश की सेवा करी है, और एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक राजनीति के माध्यम से आकर मुझे समाज की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अपने क्षेत्र को मैं, जो भी सरकारी जितनी भी सारी योजनाएं मिलती हैं सरकार द्वारा जो दी जा रही हैं, उन सभी से अपने वहां के लोगों को मैं लाभान्वित कराऊं। जी अंकिता, पिछले आप करीब 10-12 सालों से कांग्रेस में रही, आप कांग्रेस का आपने झंडा बुलंद किया लगातार, आप स्कूट की सड़कों में भारतीय जनता पार्टी के लिए नारा भी लगाती थी और कहीं ना कहीं प्रदेश में आप घेरने की कोशिश करती थी, एक विपक्ष की भूमिका में आप रही उस समय, ये आपका दायित्व भी था। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि महिलाओं का सम्मान यहाँ किया जाता है, वही कांग्रेस लड़कियों लड़ सकतियों का नारा देती है, लेकिन यहाँ लड़कियों की अनदेखी की गई है। गरिमा दसौनी या फिर ज्योति रौतेला, उनकी अनदेखी हुई है यहाँ पर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब तो मैं कांग्रेस के बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करें तो वो ज्यादा अच्छा है। अब जी उन पे क्या चर्चा करना, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, देखिए वो कहीं पर भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, वो लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। जी मैंने कहा ना, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो बस नारों में ही आप दिखाई देगा आपको, और वर्तमान में उसकी स्थिति बिल्कुल शून्य है। अगर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा वास्तविक तौर पर अगर काम करता तो फिर आज आप देखते कि इन्हें टिकट दिया होता, क्योंकि वास्तव तौर पर बहुत मेहनत तो कर ही रही है पार्टी के लिए, लेकिन इनको बिल्कुल नकारा जा रहा है। जी आपको आने वाले समय पर क्या दायित्व मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? जैसे कि कल आप प्रदेश अध्यक्ष के बगल में आप बैठी हुई थी और उन्होंने आपको वेलकम भी किया, दायित्व क्या देंगी भारतीय जनता पार्टी आपको? देखिए, दायित्व का तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक भाजपा की कार्यकर्ता होके काम करना चाहती हूँ, और यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि एक कार्यकर्ता होकर ही मैं समाज की सेवा करूँ। और बाकी आगे ये है कि देखते हैं कि अगर कुछ हम इस तरीके की मेहनत करेंगे तो जरूर पार्टी हमें कुछ ना कुछ जरूर हमें देगी। अजय टम्टा आपके सांसद हैं और इस समय अजय टम्टा जो है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से दावेदारी कर रहे हैं और सांसद भी हैं, उनके सामने प्रदीप टम्टा हैं जिनको आप बहुत निकटतम जानती हैं, प्रदीप टम्टा जी को भी, उनकी कार्यशैली से भी आप वाकिफ हैं, तो कितना जोर और कितना दमखम लगाएंगी आप अजय टम्टा जी को जिताने के लिए? जितना एक कार्यकर्ता कर सकता है अपने घर को संवारने के लिए, उतनी ही कोशिश मैं भी करूंगी माननीय अजय टम्टा जी को विजय बनाने के लिए, और वो बहुत भारी मतों से विजय होने वाले हैं, ये आप देखेंगे आने वाले समय में। क्या टमटा जी सिर्फ मोदी जी के नाम से विजय होंगे या उन्होंने कार्य किया है धरातल पर, क्योंकि पहले आप नहीं विपक्ष नहीं में थी, मोदी अब जी आप के सत्ता नाम में आ से चुकी नहीं, हैं? मोदी जी के नाम से नहीं, उनकी स्वयं की अपनी पहचान है, उन्होंने वास्तविक तौर पर काम किए हैं, और जिसका फल अब उन्हें मिलेगा वो विजय होकर आएंगे। नहीं, जब आप विपक्ष में थी तो आपने देखा उनका काम बहुत अच्छा था, उनसे प्रभावित होकर आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। देखिए, प्रभावित तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हूँ, और कहीं ना कहीं मैं भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हर एक व्यक्तित्व से हूँ, क्योंकि वो एक बहुत देश की हिंदुत्व वाली विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जी तो एजेंडा क्या रहेगा आपका, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन कर ली है तो आगे का एजेंडा क्या है आपका, क्या करने का विचार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये पार्टी ऐसी है किसी भी एक निचले से निचले पायदान का जो कार्यकर्ता है उसको भी कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व तक लेके आती है, तो आप क्या आपकी मांग होगी, क्या डिमांड रखेंगी आप भारतीय जनता पार्टी के सामने, कैसे काम करेंगी, क्योंकि इनका काम करने का तरीका अलग होता है, आपका काम करने का तरीका अलग रहा है इन 10 सालों में, तो क्या आपकी आगे की रणनीति क्या होगी अंकिता? देखिए, रणनीति तो पहले से तय नहीं की जाती है, रणनीति तो चलते चलते ही तय होती है, यह आपको भली भांति जी मालूम होगा। और मेरी ऐसी कोई विशेष चाहत नहीं है कि मुझे कोई पद ही चाहिए या मुझे कुछ ऐसा ही करना है, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, देखिए मैं राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं जुड़ी हुई भी हूँ। जी और मेरे लिए विशेष यही रहेगा कि मैं महिलाओं के लिए काम करूँ, समाज के लिए काम करूँ, जी और जो एक बहुत ही विकसित भारत का जो सपना मोदी जी ने देखा है उसके लिए काम करूं। विवेकानंद जी की जो एक सोच थी कि जी भारत को विश्वगुरु बनाना है, उसके लिए मैं काम करूं। जी और अभी आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, उस सपने के लिए मुझे काम करना है। जी जहां तक मैं अंकिता को जानता हूं तो मैंने अंकिता को ये भी देखा है, खुद मैंने कवर भी किया था, अंकिता दूरस्थ गांव जो सीमांत के
जहां पर आदिवासी रहते हैं, बनरौत जिनको हम कहते हैं, उनके गांव में जाके कोविड काल में अंकिता ने उनकी मदद की थी अपने स्वयं के संसाधनों से। ये कार्य आपका भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, इस पर क्या करेंगी आप, कितना और आगे इसको विकसित करेंगी? बिल्कुल। जब मैं एक आम कार्यकर्ता होकर जब मैं इतना समझ सकती हूँ, अब जब मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ रखा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर किसी समाज के एक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मदद की जरूरत होगी, तो भारतीय जनता पार्टी अपना साथ और सहयोग जरूर मुझे प्रदान करेगी, और मेरी जी, कोशिश रहेगी कि मैं जरूर उनकी मदद कर पाऊँ। आप जिस दुरुस्त गांव में गई थी अंकिता कोविड काल में, वो गांव आपने दिखाया था, क्योंकि आप प्रदेश की पहली महिला और पहली लड़की हैं जो ऐसे आदिवासियों के पास पहुंचकर आपने उनको राशन वितरित किया और उनको काफी खाद्य सामान वितरित किया और उनके लिए आपने हालचाल पूछे और उनकी आवाज बनने की आपने कोशिश की। तो उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी दें आप, क्योंकि अब आप मेन स्ट्रीम में आ चुकी हैं। उस समय आप विपक्ष में थी, आप भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी हैं। आप उन कंदराओं में, गुफाओं में रहने वालों का भविष्य आप बहुत नजदीकी से देखती हैं। आने वाले समय पर उनके लिए क्या करना चाहेंगी और मुख्यमंत्री तक क्या उनकी बातें पहुंचाएंगी आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। आपके चैनल के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे उत्तराखंड वासी इस चीज को देखेंगे और महसूस करेंगे कि वास्तव में जो आदिवासी जीवन होता है वो कितना बड़ा संघर्ष जी से भरा होता है। बहुत दूर वो गांव है, मैं अपनी युवा साथियों के साथ उस गांव में गई थी और मेरी कोशिश जी थी कि मैं रोज तो उनको राशन नहीं दे सकती हूँ, लेकिन कुछ दिन का राशन देकर उनकी थोड़ी सी जो परेशानी है उनको कम कर सकती हूँ। जी तो अगर मैं आपको उनकी वास्तविक स्थितियां बताऊं तो बहुत जटिल उनका जीवन है, और यहाँ तक कि वो लोगों से बात करने के लिए भी झिझकते हैं। और मैं ऐसी बिल्कुल पहली मतलब आप मुझे ये समझ लीजिए, मैं ऐसी महिला मुझे समझ लीजिए कि मैं वहां पर गई और उन्होंने मुझे बिल्कुल भी मतलब मुझसे लड़ाई झगड़ा का ऐसा कुछ उन्होंने प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि उससे पहले भी वहां पे बहुत सारे लोग गए थे तो वो लोगों से मिलने तक वो तैयार नहीं थे। तो मैं एक ऐसी महिला थी जिससे वो बहुत अच्छे तरीके से मिले और उन्होंने मुझसे मुझे अपने दुख साझा किए कि हमारा जो जीवन है वो वास्तव में बहुत संघर्षों से भरा जीवन है, वहां अभी रोड भी नहीं है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उनकी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाऊं और सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाऊं। तो जिस जगह से आप आती हैं, जो विधानसभा क्षेत्र आपका है, उस विधानसभा में तो बहुत अच्छा कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि वहां के लोग लगातार सवाल उठाते हैं और कई बार आप भी ज्ञापन देते हुए बिशन सिंह चुफाल जी के सामने आप भी प्रस्तुत हुई हैं। और कई देखे मैंने पोस्ट आपके कि आपने ज्ञापन सौंपे हैं अस्कोट की सड़कों का हो या फिर बहुत सारी। अब तो आप खुद भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं, तो आने वाले समय में सीमांत का कुछ विकास हो पाएगा, उसके लिए आप कार्यरत रहेंगी, सरकार तक आपकी आवाज पहुंच पाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस समय बिशन सिंह चुफाल जी कार्य नहीं कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर वो कार्य नहीं करते तो आप देखेंगे तो पिछले 30 सालों से अगर वो अपने विधायक पद पर काबिज हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कार्य कुशलता ही है जो उन्हें लगातार जीत का परिचय दे रही है और उस पद पर उन्हें काबिज किया हुआ है। तो वास्तव तौर पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए काम जी को धरातल में करने में समय तो लगता है। ऐसा तो नहीं है कि मंत्र जी फूंक दो और काम हो जाएगा, काम होते हैं अपने अपने स्तर से होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। तो आप चुनाव कैंपेनिंग के लिए कब से मैदान में उतर रही हैं अजय टमटा जी के लिए? अब बस जल्दी ही मेरी कोशिश है कि अब बस जल्दी ही मैं वहां पर जाऊं और उन्हें समय दूं और अपनी फुल सहभागिता निभाऊं। क्योंकि पिथौरागढ़ के जो क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र पिथौरागढ़ के, जैसे कि आपको पता है कि धारचूला के भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां तक सरकार नहीं पहुंच पाई है और अंकिता खुद वहां तक पहुंच पाई है। अस्कोट में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां सरकार नहीं पहुंची है, तो पर्सनली आप जाके पहुंची हैं। तो क्या इस बार अजय टमटा जी को आप दिखाएंगी वो आईना, जो वाकई में कहीं ना कहीं प्रदेश में जो पीड़ा वो लोग झेल रहे हैं, जैसे हमने बन राउतों के बारे में बात किया था, तो उनको दिखाएंगी अजय टमटा जी को आप? बिल्कुल, वास्तव तौर पर अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा और जरूर अगर वहां पर टमटा जी आएंगे तो मैं जरूर उन्हें स्वयं लेकर उन लोगों तक पहुंचाऊंगी और उनकी समस्याओं को दूर करने का कोशिश करूंगी कि जिससे उन्हें थोड़ी सी सहूलियत हो जाए और थोड़ी सी आसानी हो जाए और उनकी परेशानियों को कुछ स्तर तक कम किया जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता आपका K24 न्यूज से जुड़ने के लिए, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप भारतीय जनता पार्टी में नई पारी आपकी होगी और उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां पर कार्यकर्ताओं में भेद नहीं किया जाता, यहां काम करने वालों को आगे बढ़ाते हैं और उनमें से आप भी हैं। आप लगातार प्रदेश में
अच्छा काम करती हैं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय पर भी आप अच्छा काम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।